तो आज जो हम आपका चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर का नेम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे चैप्टर्स आप प्लस टू में करोगे, इस साल भी करोगे, जिसमें इस चैप्टर के कंसेप्ट चलते हैं। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है, आपको सेल साइकिल के बारे में नहीं पता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कभी भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका भी ध्यान रखना, जो भी इसका इस चैप्टर में जितने भी पार्ट हैं, एक पार्ट आपका टोटली नेक्स्ट वाले से लिंक होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं जो आज की क्लास है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज की क्लास नहीं लगाई है, लेकिन वो कल की क्लास में आएंगे, तो उनको पहले ये वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, तभी उनको कल वाली क्लास समझ में आएगी। तो ये चैप्टर आपका टोटली लिंक है, ठीक है, एक चैप्टर मतलब एक पार्ट जो है वो नेक्स्ट वाले से लिंक है। तो प्लीज इस वाले चैप्टर में कोई भी एब्सेंट मत होना। अगर किसी ना किसी रीजन की वजह से आप क्लास नहीं लगा पाते हो, तो प्लीज पहले आप रिकॉर्डिंग देख कर आना, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेल साइकिल की एंड सेल डिवीजन की। तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे हम इस चैप्टर में? सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे, एम फेज के बारे में बात करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मियोसिस क्या होती है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। बट सबसे पहले बात करते हैं, ओनली एक जनरल बात करते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, आज अगर हम खुद को देख पा रहे हैं, तो हम एक बहुत ही बड़े ऑर्गेनिज्म है, काफी बड़ी हमारी बॉडी है, इतने सारे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, इतने सारे सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप सभी को पता है कि हमारी हमारी जो जर्नी है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है? क्या आपको पता है इसके बारे में? सिंगल सेल से ही हम आज इतने बड़े ऑर्गेनिज्म बने हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है उन्हीं सिंगल टाइप के सेल से। क्या आपको पता है इसके बारे में? बताइए, आइडिया है? ओके, वेरी गुड, अगर आप लोगों को पता है। चलो थोड़ी सी फिर इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप सबको पता है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, अभी ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, आप अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हो। अगर एक ह्यूमन बींग को एक चाइल्ड चाहिए, उसको एक ऑफस्प्रिंग पैदा करना है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी को भी डाउट होगा कि हम कैसे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। और ह्यूमन बींग को दो पेरेंट की जरूरत होती है, एक होता है मेल पेरेंट और दूसरा होता है फीमेल पेरेंट। मेल एंड फीमेल दोनों की ही जरूरत होती है एक बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए। जो मेल होता है, मेल का सिंबल ये होता है, इसका साइन ये होता है, प्लीज आप ध्यान रखना, बहुत जगह ये वाला साइन यूज किया होगा, एंड फीमेल का सिंबल ये वाला होता है। तो अगर कहीं पर भी मान लेते कि इन सिंबल का यूज किया गया है, लेकिन वहां मेल फीमेल नहीं लिखा गया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो जो मेल है, मेल की बॉडी में मतलब जो एक मेच्योर मेल होता है, वो अपनी बॉडी से क्या चीज बनाता है, स्पर्म बनाता है। एंड जो फीमेल है, वो अपनी बॉडी में किस चीज का फॉर्मेशन करती है, एग का फॉर्मेशन करती है। एग भी कहते हैं उसे, ओवम भी कहते हैं। एंड जब हमारे पास ये जो स्पर्म है, और जब इस एग का फ्यूजन होता है, जब स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में जाके इस एग से फ्यूजन करता है, उस फ्यूजन वाले प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट कौन है यहाँ पे? स्पर्म है। एंड फीमेल गैमेट किसको हम कहते हैं? एग को कहते हैं। ये फीमेल गैमेट है।
तो हमारे पास यहाँ पे जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, इनके फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो ये देखिए स्पर्म भी एक सिंगल सेल होता है और ये भी एक सिंगल सेल होता है। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, सॉरी स्पर्म ऐसा होता है, सॉरी इस तरीके से होता है स्पर्म, आपने देखा होगा। तो एग और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तो जो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम कहते हैं जायगोट। लेकिन एग क्या होता है? हैप्लोइड होता है नेचर में। एंड स्पर्म क्या होता है? ये भी हैप्लोइड होता है नेचर में। ये हैप्लोइड हैप्लोइड क्या है आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। हैप्लोइड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ओनली एन लिखा है। तो स्पर्म एंड एग जब दोनों फ्यूज करते हैं तो फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। एंड जायगोट क्या होता है? 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। अब ये जो जायगोट है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे, इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मतलब एक ही सेल है और एक सेल के अंदर यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस भी है और यहाँ पर एग का न्यूक्लियस भी है, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर ही है। तो जायगोट है तो डिप्लॉयड, लेकिन नेचर में कैसा है? इट इज अ सिंगल सेल। तो आपको सोचो ये एक सिंगल सेल किससे बनता है? जब जब एक मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट एग क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। तो फ्यूजन के बाद हमें क्या मिलता है? जायगोट मिलता है। और सोचो जायगोट के बाद आप एक ह्यूमन बीइंग को देख ही सकते हो, एक कितनी एंटायर बॉडी बनती है। आज अगर हम खुद को देखें तो क्या मान सकते हो कि कभी हम ऐसे थे जो यहाँ पे मैं बना रही हूँ? सच्ची में हम ऐसे ही थे? ये जायगोट। आज हम खुद को देख पा रहे हैं, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कभी हम ऐसे भी रह चुके हैं। एक टाइम था कि जब हम ये थे, फिर इसके बाद क्या हुआ? हमारी बॉडी बनी। और बॉडी कैसे कैसे बनी, आज हम इस चैप्टर में वही बात करेंगे। तो वहां पे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि क्या आपको पता है कि जो हमारी जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? इस सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, और इस सिंगल सेल को कहते हैं जायगोट, जो किससे बनता है? मेल स्पर्म एंड फीमेल के एग के फ्यूजन होने के बाद हमें मिलता है। अब सोचो आप कि जो एक बच्चा है, जैसे आपने किसी फीमेल को भी देखा होगा, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो धीरे धीरे उनका जो वूम होता है, उनका जो एब्डोमेन होता है, वो इंक्रीज करता है साइज में। आप उनका स्टामक देख के बता पाते हो, एक्चुअल स्टामक नहीं होता, वो एब्डोमेन होता है, ठीक है? तो आप देखकर बता पाते हो कि उनका साइज इंक्रीज है। आप दूर से बता देते हो कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ठीक है? उनका आप वूम देखकर, उनका एब्डोमेन देखकर। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि जो जायगोट आपका एक दिन कभी बना था, जिस दिन स्पर्म एंड एग फ्यूज हुए थे, ये आपका पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रहता। ये क्या करता है? अपना साइज बढ़ाता है। ये क्या हो रहा है वहां पे? डिवाइड होता है। और जायगोट जैसे डिवाइड होता है, अपना नंबर बढ़ाता है, तो वैसे वैसे क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स का जो एक बेबी है वो क्या होता है? हमारे पास एक डेवलप होना शुरू हो जाता है। ह्यूमन बींग ही नहीं, सारे के सारे जो आप बाकी आप जो ऑर्गेनिजम्स भी देखते हो, आप काउ का एग्जाम्पल ले लो, डॉग का ले लो, जिस मर्जी का ले लो, तो सबकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है? इस सिंगल सेल जायगोट से स्टार्ट हुई है। और बाद में इस जायगोट से क्या बना है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कौन? जैसे हम ह्यूमन बीइंग। तो हमारा फॉर्मेशन किससे हुआ है? इस जायगोट से हुआ है, जो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है नेचर में, मतलब 2n होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके चैप्टर में यही पूछा गया था कि आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। You may wonder how a single cell then goes on to form such a large organism. तो आप सोच सकते हो कि एक सिंगल सेल कैसे आपका चेंज हुआ है एक लार्ज ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कैसे एक सिंगल सेल हमारे पास एक लार्ज ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हुआ है। तो पहला क्या आता है, उनके अंदर क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। एंड सेकेंड चीज क्या है? अभी अभी जैसे आपने वहां पे देखा, हमने क्या कहा? जायगोट किससे बनता है? स्पर्म से बनता है जो हमें मेल देता है, और एग से बनता है जो हमें फीमेल से मिलता है। अब सोचो ये एग और स्पर्म कहाँ से आए? फीमेल की बॉडी में ये स्पर्म, फीमेल की बॉडी में एग कैसे बना एंड मेल की बॉडी में स्पर्म कैसे बना? उसके लिए भी तो वहां पे कोई ना कोई ग्रोथ हुई होगी। वहां पर भी ये कहाँ से आ गए हैं? ऊपर से तो कहीं से आए नहीं है। तो यहाँ पर देखिए
अगर हम किसी को बनाना चाहते हैं, अगर हम किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, किसी भी सेल का करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब जितने भी लिविंग सेल हैं वो ग्रोथ भी करते हैं, ग्रोथ करते करते अपना साइज बढ़ाते हैं और साथ ही साथ में रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। कुछ की एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन अभी हम एक्सेप्शन के ऊपर डील नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे एक जनरल बात कर रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे क्या शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं और सारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम में और बनाते हैं, यहाँ पे इसी तरीके से बाद में फिर इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर भी ध्यान से समझ रहे हैं, जस्ट ओनली पिक्चर्स को देखें और हो सके तो प्लेस आप भी ड्रॉ कर लीजिए। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा, आप यही देख लीजिए कि देखिए जब एक बच्चे का जन्म होता है वो एक छोटा सा बेबी है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते जाते हैं कि उनकी बॉडी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, होती है ना, चेंज होती है। मतलब सोचो उनका साइज बड़ा हो रहा है, हम कहते हैं कि देखो आपकी हाइट बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। सेकंड केस, आपने नोटिस किया होगा जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो इंजरी, जो चोट हमें लग गई है वो पूरा अब जब तक हम मरते नहीं वो वैसा का वैसे ही रहेगा। आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो क्या कर जाती है, रीग्रो कर जाती है, वो क्या हो जाती है, फिल हो जाती है, मतलब उसमें जो भी इंजरी वगैरह है हमारी हमारी बॉडी हील हो गई है। तो क्या आपने सोचा कि हमारी बॉडी में से क्या चीज हो रही है जो एकदम हमारी बॉडी एकदम नॉर्मल कर जाती है। आज अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं, आज वो छोटा सा है, एक साल बाद देखते हैं कि उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंज हो गए, इवन हमारी बॉडी में भी चेंज हो रहे हैं। हम अपनी पुरानी फोटोज देखते हैं, हम कहते हैं पहले हम ऐसे थे और आज हम ऐसे हैं। तो ये जो सारा का सारा जो चेंज आ रहा है ना, ये किस वजह से आता है, ये आता है कि जो हमारी बॉडी की जो सेल है वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब ये सेल ग्रो कैसे करता है, क्वेश्चन वो राइज होता है यहाँ पे, कैसे सेल ग्रो कर रहा है, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वही आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि सेल जो है हमारा वो ग्रो कैसे करता है। अब देखिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, सेल ग्रो कैसे करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल बनाऊ, मान लेते कि हमारे पास एक सिंगल सेल है, ये वाला, ठीक है, एक सिंगल सेल है और इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हो सकती है कि सेल ग्रो कैसे कर रहा है। पहला ये हो सकता है कि जो मेरा ये सेल था, अभी मैं इसी को यहाँ पे बना रही हूँ, पहले ये ऐसे था, मतलब इसका डायमीटर इतना था और उसके अंदर न्यूक्लियस है, और बाद में क्या हुआ, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए इसका साइज बढ़ रहा है, एक टाइम आया जब इसका साइज इतना हो गया कुछ टाइम के बाद, और मान लेते हैं कि एक टाइम ऐसा आया जब इसका साइज इतना बड़ा हो गया जो मैं यहाँ पे बना रही हूं। मान लेते हैं ये हमारे पास ये वाला डॉट था A1 और ये है A2, तो आप देख रहे हो कि एक टाइम पर मेरा सेल का साइज इतना है और कुछ टाइम बाद में देख रही हूँ कि मेरा का साइज फिर इतना हुआ और बाद में इतना इंक्रीज हो गया। तो सेल के अंदर क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है, सेल जो है वो मेरा साइज वाइज इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहां पर सेल क्या हो रहा है, साइज में ग्रो कर रहा है, उसका साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब सेकंड केस के देखो, सेल का यहाँ पे ओनली क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ है, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है, जो हमारे सेल है वो क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, ग्रोथ होने के साथ साथ उसमें क्या होती है, डिविजन भी होती है। डिविजन क्या है कि ये जो सेल है हमारे पास, मान लेते हैं कि अपने जैसे ही क्या कर ले, अगर यहाँ पे ये 2 कॉपीज बना ले तो इसको हम कहते हैं सेल डिविजन। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि सेल डिवाइड कैसे करेगा, तो सबसे पहले सेल को अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी ना, जो वो बड़ा होगा तभी वो क्या कर सकता है, यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। अब इसका देखिए मीनिंग क्या है, इसको भी समझेंगे अभी, लेकिन ये है कि सेल यहाँ पे ग्रो करते हैं और हमारी बॉडी के सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये जो ग्रोथ है, जो ये सेल डिविजन है, इसी में ही एक इवेंट चलता है, उसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। कि सेल का साइकिल चलता कैसे है, कैसे सेल हमारा ग्रो होता है और कैसे सेल हमारा डिवाइड होता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, जैसे हमारी ह्यूमन बींग की बॉडी में हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन ही डिसीजन लेता है, ब्रेन ही बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो आप सभी को पता है कि जो किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है वही उसका कर्ता धर्ता होता है, मतलब सेल का ब्रेन या सेल को जो कंट्रोल करने वाला होता है वो कौन होता है? न्यूक्लियस। सबको पता है इसके बारे में कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वही उसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि आपको अपना साइज ग्रो करना है, सेल डिवाइड करना है कि नहीं करना है। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या था, इसके पास एरिया छोटा सा था जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेकिन देखिए टाइम के साथ साथ देखिए क्या हुआ, ये सेल क्या हुआ, ये बड़ा होता गया, बड़ा हो रहा है। अब देखिए न्यूक्लियस अभी भी इतना छोटा सा ही है, अभी भी इस छोटे से सेल को क्या करना पड़ रहा है, इस पूरे सेल को कंट्रोल करना पड़ रहा है। कुछ टाइम पर हम क्या देखते हैं कि सेल मेरा और बड़ा होगा, और बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी छोटा सा न्यूक्लियस है। अब देखिए जब यहां पर ये जो सेल का जो मैट्रिक्स है, इस सेल के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सबको पता है क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, अपना साइज बढ़ा रहा है, मतलब इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन हमारे पास ये जो न्यूक्लियस का कंटेंट है तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। मान लेते कि यहाँ पर मेरे पास एक न्यूक्लियस था, देखिए सेल बड़ा हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट देखिए यहाँ पर वो भी बड़े हैं, तभी तो हमारा इसका साइज बड़ा है। लेकिन यहाँ पर भी न्यूक्लियस ऐसा ही है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस ऐसा ही है। अब जो ये न्यूक्लियस जो कंट्रोल कर रहा था सेल को, वो कहता है कि अब मैं इतने बड़े सेल को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इससे अच्छा बेटर क्या है कि आप इस सेल को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, आप डिवाइड कर दो। तो जब आप डिविजन कर दोगे और साथ ही साथ में सेल को तो डिवाइड करो ही करो, जो न्यूक्लियस है उसको भी डिवाइड कर दो, और डिवीजन होने के बाद यहाँ पे टू सेल बनते हैं, जो क्या होगा, जिसको कंट्रोल करना मेरे लिए इजी होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेल का डिवीजन करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो है जो एक सेल को कंट्रोल करता है, जब एक टाइम पे उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाता है तो उसके बाद उसको प्रॉपर उस सेल को मेंटेन करके रखना जो न्यूक्लियस का काम होता है वो क्या कर जाता है, सेल हमारा डिवाइड कर जाता है। अब देखिए डिवीजन यहाँ पे कैसे होता है, मान लेते हैं अब आप सबको पता है कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेल कौन कौन सी है, लाइक मान लेते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के बाद ईआर मान लेते हैं, फिर हमारे पास राइबोसोम मान लो आप, लाइसोसोम मान लो, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनेलीज है। अब ये मेरे पास देखिए जो ये सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं पेरेंट सेल, जो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो आपका सेल को डिवाइड करने में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल। इनिशियली मान लेते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या थे, 10 माइटोकॉन्ड्रिया थे, 10 ही गोल्जी बॉडी थी, और मान लेते हैं कि 20 ईआर थे, लाइसोसोम भी 10 थे, और राइबोसोम मान लेते हैं ये भी हमारे पास क्या थे, 20 थे। अब देखिए जब ये अपने दो टुकड़े कर रहा है, मतलब अपनी ही बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज होगी, इसका एम ये रहेगा कि जो मैं यहाँ पे दो सेल बना रहा हूं, मेरे साइटोप्लाज्म में जितना भी कंटेंट है मैं सबको दोनों सेल को इक्वल इक्वल दूंगा। मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया मेरे पास 10 थे तो अब मुझे इसको भी 10 देने हैं, इसको भी 10 देने हैं, तो मुझे यहाँ पर जब मैं पेरेंट हूं तभी मुझे अपना नंबर डबल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे अपना नंबर 20 करना पड़ेगा, तभी मैं अपने दोनों सेल को 10-10 दे सकता हूँ। अगर मान लेते हैं कि गोल्जी के पास यहाँ पे 10 थे, अब इसको भी पूरे 10-10 देने हैं, तो इसको अपना नंबर यहाँ पे 20 करना पड़ेगा। अब ईआर 20 थे, अब ये ईआर चाहता है कि मैं इसको भी 20 दूं, उसको भी 20 दूं, तो यहाँ पे इस पेरेंट सेल को अपना ईआर का नंबर क्या करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा। तो ये जो इवेंट चल रहा है कि यहाँ पे ये नंबर जो सेल के अंदर जो कंटेंट होता है ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, और बाद में जब डिविजन की बारी आई सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये सारा का सारा जो भी ये सारा इवेंट चलता है एक सेल के अंदर, इसी को ही कहते हैं सेल साइकिल। अब देखिए एंड में मान लेते हैं कि सारा जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो आपका बढ़ गया, मतलब जितना भी उसने अपना नंबर डबल करा था कर दिया, लेकिन एंड में बारी आती है न्यूक्लियस की, जो एकदम आपका करता धरता है, उसको भी तो यहाँ पे डिक्रीज सॉरी उसको भी तो यहाँ पे डिवाइड होना पड़ेगा। तो बाद में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है ये भी आपका डिवाइड कर जाता है। यही रीजन होता है कि जब हमारे जो पेरेंट सेल होता है, जो आपकी टू सेल्स बनाता है ना, यहाँ पे न्यू सेल्स बनते हैं,
इन दो सेल को हम कहते हैं डॉटर सेल। तो याद रखना, जो हमारा पेरेंट सेल है, जब वो यहाँ पे क्या करता है, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, तो इनिशियली यहाँ पे एक सेल क्या करता है, टू सेल बनाता है। और यहाँ पे जो टू सेल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल कहते हैं। और पेरेंट सेल के पास जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन, हूबहू यहाँ पर सेल वही बनता है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता पेरेंट से। इसीलिए जो डिवीजन यहाँ पे होती है ना, उस डिवीजन को हम कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन कहते हैं उसको हम। और माइटोटिक डिवीजन को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मीनिंग क्या होता है कि पेरेंट सेल के पास जो कंटेंट था, उसने अपने बच्चों को, अपने डॉटर सेल को भी सारा कंटेंट वैसे ही दिया, एकदम इक्वल अमाउंट में दिया है। जैसे पेरेंट वैसे के वैसे ही बच्चे, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। देखिए क्या होता है, पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, क्योंकि देखिए अपने ही ये दो दो टुकड़े कर रहा है। और दो टुकड़े होने के बाद ये जो दो सेल बने हैं ना, इसी के तो बने हैं यहाँ पे। अब जो ये दो डॉटर सेल यहाँ पे बने हैं ना, बाद में ये भी कैपेबल होते हैं कि ये भी दो बना सकता है और ये भी दो बना सकता है। जो ये अगेन बने हैं, ये भी टू बना सकता है, ये भी दो बना सकता है। आपको कुछ कुछ आई हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो, बट एक बार अभी करेंगे इसके बारे में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा आगे, ऑल सेल रिप्रोड्यूस। सारे सेल क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। देखिए ऑल सेल रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी को बनाना, एंड रिप्रोड्यूस का मतलब है, री का मतलब है कि अपने जैसा बनाना, जैसा मैं खुद हूं वैसे बनाना। अब कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? डिवाइड करेगा इनटू टू में। डॉटर सेल समझ नहीं आया, थोड़ा सा कोई बात नहीं कोमल, आगे जाके समझ में आ जाएगा आपको। अभी ये जस्ट ओनली थोड़ा सा एक आइडिया है जो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ। आगे आगे आप पढ़ते जाओगे ना, तो आपको अच्छे अच्छे से आइडिया लग जाएगा यहाँ पे, जब मैं आपको पूरा प्रोसेस करवाऊंगी। सो ऑल सेल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बाय डिवाइडिंग इनटू टू। तो हमारे पास जो एक सेल है, यही आपका क्या होता है, टू पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। विद ईच पेरेंट सेल, मतलब जो सेल डिवाइड कर रहा है उसे हम कहते हैं पेरेंटल सेल। और जब ये डिवाइड करता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये दो सेल बनाता है, जो भी मैंने आपको बताया। और ये जो दो सेल बने यहाँ पे, इन्हीं दो सेल को हम कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। जो सेल डिवाइड करता है उस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल। एंड जब इस पेरेंट सेल ने डिवाइड किया, तो जो यहाँ पे दो सेल हमें मिले उसे हम कहते हैं डॉटर सेल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल Each time they divide, मतलब अब देखिए यहाँ पर ये जो दो सेल बने, हमने कहा कि डॉटर सेल है, लेकिन फ्यूचर में जाके क्या होगा कि जो ये दो सेल बने थे, अब यही आगे कैपेबल हो जाएंगे दोबारा डिवीजन के लिए। तो देखिए आगे जाकर ये जो डॉटर सेल है, ये वाला एक सेल है, ये भी दो बना सकता है। तो जब इसने दो बनाए तो ये बन गया पेरेंट सेल, और जो दो बने ये डॉटर सेल हो गए। अब देखिए मान के चलोगे ये वाला सेल आगे डिवाइड कर रहा है, इसने दो बना दिए, तो अब ये पेरेंट बन गया और ये डॉटर बन गए। रिलेट कर पा रहे हो आप सारी की सारी चीजें? और इन सब में सेम होगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। मान लेते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 10 था, तो सबके बाद 10 10 10 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एकदम आपके क्लोन्स बनते हैं हूबहू। जितनी चीजें इसके पास थी सारी चीजें सबके पास है यहाँ पे। सो दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो। अब देखिए ये आपका खुद ही बाद में ग्रो हो सकता है, जो यहाँ पे दो आपके यहाँ पर जो दो डॉटर सेल बने थे, खुद ही बाद में ग्रो हो सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और क्या गिव राइज कर सकते हैं, न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल एंड इट्स प्रोजेनी। प्रोजेनी होता है जो यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास क्या है, ये स्पर्म है और ये एग है। फ्यूज करने पे क्या बनाता है, जायगोट बनाता है,
जो क्या होता है, एक सिंगल सेल है। कभी हम ये जायगोटी हुआ करते थे, एक टाइम पर एक दिन था जब हम क्या थे, जायगोट थे। लेकिन आप 9 महीने बाद देखते हो कि एक बच्चा क्या बन जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो अब ये जायगोट ये ऐसा बना कैसे, ऑर्गेनिज्म कैसे बना? इस जायगोट के अंदर क्या हुआ है, बहुत बार डिवीजन किया इसने, मल्टीपल टाइम यहाँ पे डिवीजन हुआ है, मिलियंस ऑफ टाइम। और जब यहाँ पे डिवीजन हुआ तो इसने यहाँ पे क्या बनाया, मिलियंस ऑफ सेल का फॉर्मेशन किया। कैसे किया, अब देखिए यहाँ पे दोबारा मैं आपको यहाँ पे एक एनालॉजी समझाती हूँ, काफी ज्यादा इजी है। जैसे आप पढ़ते हो ना यहाँ पे, वो चलता है हमारे पास, ये देखिए, जैसे एक सेल है, मान लेते हैं ये जो डॉट मैंने यहाँ पे बनाई है, हमारे पास एक सेल है। जब भी ये डिवाइड करता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे टू सेल बना रहा है। लेकिन जो दो सेल बनते हैं उनकी एबिलिटी भी सेम क्या है, अपने पेरेंट सेल की तरह ही है, कि जैसे पेरेंट सेल डिवाइड हुआ था वैसे ये भी डिवाइड हो सकता है। आप देखिए, ये आपका डिवाइड हो रहा है, ये आपका टू सेल बना रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड होता है, ये भी टू सेल बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हुआ, इसने भी टू सेल बनाए, ये डिवाइड हुआ, टू सेल बने, यहाँ पे टू सेल, और ये भी टू सेल बना रहा है, ये भी दो बना रहा है, ये भी दो बना रहा है। अब देखिए ये भी आगे जाके सेम वही चल रहा है, इस तरीके से प्रोसेस में सारे सेल वही कर रहे हैं। अब ये देखिए, जब हमारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी, इस सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम क्या है, जायगोट है। लेकिन जब इस जायगोट ने देखिए डिवाइड करना शुरू किया, जब इसने पहले दिन डिवाइड करना शुरू किया था, तो इस जायगोट ने क्या बनाया था, टू सेल बनाए थे। देखिए यहाँ पे दो सेल बने थे, लेकिन देखिए जब ये दो सेल बन गए, जब इन दो सेल ने डिवाइड किया तो इन दो ने, अब दो नहीं बनाए, इन्होंने चार बनाए। देखिए इसने भी दो बनाए, उसने भी दो बनाए, तो चार बन गए। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ पे डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा जो नंबर है न्यू सेल के बनने का, वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट सेल यहाँ पे बढ़ चुके हैं, यहाँ पे पेरेंट सेल एक ही था, बट यहाँ पेरेंट सेल कितने हो चुके हैं, यहाँ पे टू हो चुके हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेरेंट सेल आपके फोर हो चुके हैं। तो फोर आगे जाके कितने बनाएंगे, अभी आठ बनाएंगे ना। देखिए ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, दो चार छह आठ, ये देखो आप यहाँ पे चार थे, चार के बाद देखिए अब ये भी अब यहाँ पे टू बना रहा है, ये भी टू बना रहा है, ये भी टू बना रहा है, ये भी टू। अब देखिए ये भी आगे जब आठ बन जाएंगे तो आठ से सोलह बनेंगे यहाँ पे। तो यही रीजन है कि जो सिंगल सेल जायगोट है वो 9 मंथ लग जाते हैं उसको इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, क्योंकि देखिए जो वो सेल है वो आपका डिवाइड होता जा रहा है। लेकिन डिवाइड, अब देखो जब भी कुछ बढ़ रही है, अब देखो ये इतना छोटा सा था, अब एक टाइम देखिए ऐसे ये मास बन जाएगा सेल का, बहुत सारे सेल होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डिवीजन होने के साथ साथ इनका साइज भी बड़ा हो रहा है, इनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा सेल का नंबर भी बढ़ रहा है। समझ आ रहा है आपको कैसे कैसे ये इवेंट चल रहा है हमारी बॉडी में, कैसे हम एक सिंगल से जायगोट से एक ऑर्गेनिज्म बने हैं? कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हो? यहाँ पे देखिए, अगर मैं दोबारा इस लाइन को रीड करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए वही चीज लिखी गई है। इस पैराग्राफ को मैं दोबारा रीड कर देती हूँ। ऑल सेल, जितने भी सेल हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं किसी को। और कैसे करते हैं, बाय डिवाइडिंग इनटू टू। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं खुद को, पर कितने में डिवाइड करते हैं, टू में डिवाइड करते हैं। लेकिन जो सेल डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं पेरेंटल सेल, और जो सेल न्यू बनता है उसे हम कहते हैं डॉटर सेल। तो एवरी टाइम कोई ना कोई पेरेंट होगा, कोई ना कोई एक टाइम पे डॉटर होगा। सेम वही बातें देखो, जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, एक टाइम पे खुद ही वो क्या थे, अपने एक टाइम पे वो खुद ही बच्चे थे, उनके कोई ना कोई पेरेंट थे। लेकिन देखिए आज वो पेरेंट है और उनके बच्चे भी हैं। अब जो उनके बच्चे हैं वो एक टाइम पे कभी पेरेंट बनेंगे और उनके कभी उनके भी बच्चे होंगे वहां पे। तो यहाँ पे डॉटर सेल हम उनको कहते हैं कि जो एक न्यू सेल बनता है, न्यू सेल अराइज होता है। आप समझ पा रहे हो इस बात को, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल को रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? सो ऑल सेल्स
reproduce by dividing into two with each parental cell, giving rise to two daughter cell each time they divide. जब भी कोई parent cell divide करेगा तो वो वहां पे two daughter cell बनाएगा जब भी वो divide करेगा. अब ये जो these newly formed daughter cell, जो वहां पे newly formed daughter cell है, जो वहां पे daughter cell बने हैं, can themselves grow and divide. अब इनके पास भी ability है कि ये खुद grow हो सकते हैं, खुद divide कर सकते हैं और क्या give rise कर सकते हैं, एक new cell का population. Population हो जाएगा ना, बहुत सारे cell बन जाएंगे. और ये सारे new cell कैसे बनेंगे, वही बात है बार बार. Cell पहले क्या होगा, पहले cell छोटा था, पहले grow होगा, अब size बढ़ गया, अब इसको divide कर दो तो पहले cell की growth होगी और बाद में cell का division होगा. और ये सारा इवेंट किसमें चल रहा है, एक सिंगल पेरेंट सेल में और उसकी प्रोजेनी में, मतलब प्रोजेनी होता है जो उसके ऑफस्प्रिंग बनते हैं, डॉटर सेल को ही प्रोजेनी कहते हैं. सो इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ. अब देखिए ये साइकिल जो है ग्रोथ का वो चलता जा रहा है हमारी बॉडी में. सेल ग्रो हो रहे, डिवाइड हो रहे, ग्रो हो रहे, डिवाइड हो रहे. तो ये अलाउ करता है सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल. आज देखिए हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, लेकिन एक टाइम था जब हम एक क्या थे, कभी हम सिंगल सेल हुआ करते थे, कभी हम जायगोट थे. आज देखिए हमारी बॉडी में क्या है, मिलियंस ऑफ सेल है. देखिए सारा इवेंट कैसे हुआ है, दो ही चीजों से, सेल के अंदर ग्रोथ हुई है और सेल के अंदर क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है. तो ग्रोथ एंड डिवीजन की वजह से ही आज हमारी बॉडी में क्या है, मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है. अब इवेंट कैसा हो रहा है, आज हम इस चैप्टर में वही चीजें डिस्कस करेंगे. समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो यहां पे देखिए नेक्स्ट देखिए, सेल साइकिल है क्या, व्हाट इज सेल साइकिल. सो सेल साइकिल इज वेरी